हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ बजिस। और ये जेब्रा फिंच देखिए, इसका मेल अभी अपना सेकेंड टाइम ब्रीड के लिए रेडी हो गया है और मैंने अभी अभी इसे नेस्टिंग मटेरियल दिया हुआ है और ये अपना नेस्ट फिर से रेडी करने में लग गया है। और मैं ये चिक दिखा देता हूँ, ये बैठा हुआ है इसके फादर के पास, ये चिप निकला हुआ है। अभी तक ये सेल्फ फीड नहीं हुआ है तो उसके पेरेंट्स इसे खिला रहे हैं। वो ये अब मटकियों से, सॉरी बास्केट से ब्रीडिंग नेस्ट से बाहर आ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है। और मैं अपना दूसरा जो एक वाइट जेब्रा फिंच था, ये इसके फीमेल है और ये एक मेल, इसका मेल एक्सपायर हो गया था तो मैंने एक मेल खरीद के लाया था। ये आप देख सकते हैं, ये सामने बैठा हुआ है। ये मेल काफ़ी रेडी है ब्रीड करने के लिए तो मैंने आज दोनों को ही एक साथ ही नेस्ट प्रोवाइड कर दिया था दोनों को, दोनों पेयर को। और ये इसकी इस वाली भी वाइट जेब्रा फिंच जो है वो फीमेल है और इनका ये एक पहला चिक तो है, इनका सेकंड ब्रीड होगा और इसका फर्स्ट ब्रीड है। और मैं देख रहा हूँ कि ये मेल फीमेल के पीछे जा रही है, जा रहा है, तो देखते हैं आगे कितनी देर में इनका पेयरिंग हो जा रहा है और कब तक ये लोग ब्रीड करने में रेडी हो जाते हैं। ये मेल फीमेल दोनों रेडी हैं, जब तक जितना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है अब तक, कि मुझे भी लग रहा है कि ये 5-10, 2-3 दिन के अंदर ही ये लोग नेस्ट के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगी। और ये वाला चिक को थोड़ा सा, जब भी वो सेल्फ फीड हो जाएगा तो इस चिक को मैं अलग कर दूंगा। और मेरी जो छोटी सी कॉलोनी है बजरी की, इसकी प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी चल रही है तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।